हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिंग का इंस्टेंट टमाटो सूप, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिंग का टमाटो सूप का एक पैकेट। इसके अंदर हम 4 ग्लासेस बना सकते हैं और ये रियल वेजिटेबल वाला है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। बनाना स्टार्ट करते हैं। जब भी कभी हल्की फुल्की भूख हो और किचन में काम करने का मन ना हो तो इंस्टेंट बना के पीजिए। ये सूप बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको मैंने अब कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको मैं एक पैन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और जैसे कि इसके अंदर लिखा है 4 ग्लासेस, तो 4 ग्लासेस मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। इसके अंदर कॉर्न है और वेजिटेबल्स में कैरेट वगैरह है इसके अंदर, तो यहाँ पे छोटा ग्लास ले रही हूँ मैं और 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ। इंस्टेंट बन जाता है, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें तो ऊपर से इसके अंदर क्रीम डाल सकते हैं एंड में, बट अभी इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। तो बस अच्छे से इसके लम्स को हम तोड़ लेंगे, ये देखिए। और कलर इसका काफ़ी अच्छा आ गया था, मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा कलर आएगा जैसे अभी पानी में दिख रहा है इसका कलर तो। बट जैसे जैसे ये कुक हुआ तो काफ़ी अच्छा इसका कलर आ गया था। तो ये देखिए लम्स बिल्कुल टूट गए हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है, हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक कि जो हमारे ये कोन है ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस 2 से 3 बॉयल आने देंगे और हमारे कोन सॉफ्ट हो जाएं थोड़े से, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और पहले से ये काफ़ी थिक भी हो गया है। देखिए ये देखिए, और कलर जैसे मैंने बताया था कि इसका काफ़ी अच्छा धीरे धीरे कलर आ जाएगा। अभी आपको हल्का लाइट रेड लग रहा होगा, बट जैसे जैसे ये और कुक होगा ये रेडिश कलर में आ गया। तो ये देखिए अच्छे से कुक हो गया है, बॉयल भी आ गया है। अब इसका जो कोन है एक बार हम कट करके देख लेते हैं कि कोन हमारा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है। 2 से 3 मिनट इसको मैंने कुक किया था और ये रेडी हो गया है। तो बस अब एक बार कोन को हम चेक करते हैं कि कोन हमारा कुक हुआ है कि नहीं। तो मैं चम्मच से एक बार मैश करके दिखाती हूँ आपको कोन। तो ये देखिए स्पून से मैं इसको मैश कर रही हूँ तो अच्छे से मैश हो रहा है। तो बस रेडी है हमारा इंस्टेंट टमाटो सूप चिंग का। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। सर्दियों में तो सभी सूप ट्राई करते हैं, लेकिन एक बार गर्मियों में भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका। तो ये देखिए रेडी है हमारा टमाटो सूप, कितना बढ़िया इसका कलर आया है और थिकनेस भी काफ़ी ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।